सेशन स्टार्ट होना चालू हो गया है। मेरा नाम निक बाटला है, मैं डिजिटल मार्केटिंग पाठशाला से हूँ और मेरे साथ ऋषि अस्थाना जी हैं जिनको मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। ये आपके ट्रेनर हैं जो हिंदी में सारा सेशन लेंगे। स्टार्टिंग करेंगे अपना डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक से कि ये क्या है, कैसे चलता है एंड ऑल दैट। सागर कंप्यूटर को कहना पड़ेगा बार बार कि वो ना अपने आप को अनम्यूट करें। ऋषि आप सेशन को स्टार्ट करिए, बताइए कि डीएम पाठशाला आपके कि आप ट्रेनर हैं एक तो, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना इंट्रोडक्शन देके प्लस फॉलोड बाय व्हाटएवर आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन है। ऋषि ओवर टू यू, प्लीज आप स्टार्ट करिए। ओके हाँ जी अतुल भानु सागर कंप्यूटर एंड मेरा नाम ऋषि अस्थाना है और मेरे पास 8 साल का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? हाँ मैंने कर दिया, म्यूट कर दिया, सागर कंप्यूटर बाबा कर रहे हैं। आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के एक बार दिखा दीजिए। ओके तो विनय, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग में एक होती है पेड मार्केटिंग, एक होती है अनपेड मार्केटिंग। अनपेड मार्केटिंग होता है एसईओ के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और पेड मार्केटिंग जो होती है वो गूगल एडवर्ड्स, याहू एड्स, फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स, इनसे होता है। हम लोग पहले एसईओ के बारे में बात करते हैं। आप लोग जो है गूगल पे सर्च करने के लिए कीवर्ड्स को यूज मतलब जब आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप कुछ टाइप करते हो गूगल सर्च बार में। हेलो, हेलो निखिल, आप लोग सुन रहे हो? हेलो, हाँ आप आपको सुन रहे हैं सब। ओके तो हम लोग जब एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि जो नॉन पेड मार्केटिंग होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम इसे कहते हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो हमारे कीवर्ड से स्टार्ट होता है। जब आप लोग कुछ भी गूगल गूगल में सर्च करने के लिए कुछ टाइप करते हो, लाइक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज सॉफ्टवेयर कंपनीज इन नोएडा, तो इससे जो हमारा ये जो सर्च रिजल्ट्स लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, और जो ये राइट हैंड साइड पे जो रिजल्ट्स आते हैं ये वाले, ये होते हैं हमारे पेड रिजल्ट्स जो कि गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आते हैं। तो एसईओ में हम लोग फोकस करते हैं ये लेफ्ट हैंड रिजल्ट्स पे। तो जब आप किसी वेबसाइट नई वेबसाइट के लिए एसईओ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपका काम होता है कीवर्ड रिसर्च करना। कीवर्ड रिसर्च हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये जो कीवर्ड रिसर्च होती है इस यही हमारी साइट के ऊपर टारगेट ट्रैफिक लाती है। हेलो, ये सब सुन रहे हैं और वो चैट पे लिखेंगे, किसी को कुछ भी क्वेश्चन होगा वो चैट पे लिखें प्लीज। जो भी ऋषि सर पूछेंगे आप ओके लोग चैट पे लिख सकते हैं। तो विनय, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड जो टर्म मैंने बोला ये क्या होता है? भानु,
आप लोग जो भी ऋषि सर कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से यही बोलूंगा मैं कि आप लोग चैट में भी भेज सकते हैं, आप लोग चैट में भी भेज सकते हैं। करिए, कंटिन्यू करिए ऋषि, आप कंटिन्यू कर रखिए। ओके, तो जब हम हेलो, दिखाई नहीं रहा सागर कंप्यूटर को मैं ये डिसमिस कर रहा डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है ना? हूं, मैं सागर कंप्यूटर को डिसमिस कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहे हैं, मैं डिसमिस कर दिए। अब आप आराम से करिए, अब आप आराम से करिए। ओके, तो अतुल भानु और ये विनय, ये हम सबसे पहले बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में कि हम जब किसी भी वेबसाइट के लिए सर्च ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले आप समझो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम किसी वेबसाइट के लिए करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप वेबसाइट के ऊपर जो टेक्निक्स का यूज करते हैं प्लस वेबसाइट से बाहर जो टेक्निक्स यूज करते हैं उसको किसी कीवर्ड पे रैंक करने के लिए, उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। उसका जो बेसिक सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जो होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिन कीवर्ड्स पे हमको वेबसाइट रैंक करवानी है वही कीवर्ड्स जो होते हैं वो सर्च करने के बाद में वेबसाइट हमारी रैंक करती है और फिर उन्हीं से हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है। अतुल अभी तक, हेलो सर, कंप्यूटर आ गया। ये अतुल आप बताओ कि अभी तक ये जो बताया गया है इसके इसमें आपको कोई वो है कंफ्यूजन? विनय, ओके, तो आप ये बता सकते हो कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? ओके, तो एक बार आप प्लीज एक्सप्लेन कर दो कीवर्ड्स कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं ऋषि, किसी की क्वेरी नहीं है, आप आगे चलते रहिए, बताते रहिए, जैसे किसी की कोई क्वेरी आएगी तो वो पूछ लेंगे। और ऋषि सर जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर कोई आंसर करना चाहता है तो चैट विंडो में लिख सकता है, अदरवाइज बता दे कि आंसर नहीं पता इस चीज का, ताकि थोड़ा इंटरेक्टिविटी रहे। ऋषि सर इसलिए रुक रहे हैं ताकि आप शायद कोई रिप्लाई करें। आप आगे कंटिन्यू रखिए ऋषि, अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई अब हमारे पास जैसे एक वेबसाइट आई, हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो है हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो हमारा जो बेसिक एम होगा वो ये होगा कि उस वेबसाइट को कीवर्ड मीन्स ठीक है। तो और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसमें हम कीवर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। कीवर्ड रिसर्च जो सबसे जो बिगनिंग में जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च जो होती है उसको करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने जो है गूगल सर्च में जाइए, आप जो टॉप में वेबसाइट्स आ रही है दो तीन चार वेबसाइट्स को सिलेक्ट करिए, उस पर देखिए कि वो लोग क्या उन लोगों ने क्या कीवर्ड्स टारगेट किए हैं आपकी लोकेशन के लिए, आपके या अगर इंटरनेशनल वेबसाइट है तो उसके लिए क्या टारगेट किया है। वहां से आप कीवर्ड्स के आइडियाज निकाल सकते हो जिसको आप एक्सेल शीट में जो है नोट करके उस फर्दर रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो आप। भानु, मैं ऋषि आपको कहूंगा कि आप ना एक अपना प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो आप अपना प्रोफाइल दिखाइए कि आप जो जिस जिस टाइप के आपने प्रोजेक्ट किए हैं, आप जैसे अपवर्क.com पे, ओडेस्क, ईलांस पे आप अपना काम करते हैं, एक बार अपना प्रोफाइल दिखाइए सबको, ताकि
और उस पर दिखाइए किस टाइप का आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और कोई एक दो प्रोजेक्ट्स को पकड़ के उनकी स्टेप बाय स्टेप आपने क्या प्रोसेस लिया था, क्लाइंट ने क्या दिखाया, क्लाइंट ने क्या बोला और आपने क्या किया, ताकि सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, पता चलेगा। तो ओवर टू यू ऋषि। ओके तो अभी जो आपने अपनी स्क्रीन पर आप देखो कि एक मैंने एक वेबसाइट खोली है upwork.com। ये इस पे मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे जो है SEO के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिखाता हूँ जो मैंने किए हैं अपवर्क के थ्रू। प्रोजेक्ट्स भी दिखाइएगा, अर्निंग भी आपने कितनी करी है पर आवर के हिसाब से आपके अलग अलग प्रोफाइल में, और ये हाँ दिखाइएगा कि आपने प्रोफाइल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो है हमारा आप देख सकते हो कि प्रोफाइल में जो मेरा मैंने आवरली रेट 12 डॉलर्स पर आवर है, और ये ओवरव्यू है हमारी प्रोफाइल का। आई हैव दिस मच इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, SEO प्रोजेक्ट्स जिसमें लोकल सर्च आता है, ऑर्गेनिक सर्च आता है, रेपुटेशन मैनेजमेंट आता है, रिवर्स SEO आता है, सोशल मीडिया आता है। तो ये सब कुछ जो है जो मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं अपवर्क में इन पे मैं काम करता हूँ। तो अभी जो मेरे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है राइट C3, ये ये दिख रही है मेरी स्क्रीन आपको निखिल? तो इसमें आप बेसिकली होता यह है कि आप जब अपवर्क पे आप अपनी प्रोफाइल अच्छी प्रोफाइल बनाते हो और वहां से एप्लीकेशन डालना शुरू करते हो, तो आपको जो है कुछ क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स आना शुरू होते हैं, जिसको आप जब आगे उससे बातचीत होती है तो आपके पास प्रोजेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। तो अभी जिसमें प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसका नाम है राइट C3। तो राइट C3 में मुझे ये करना है कि उस वेबसाइट के लिए रैंकिंग्स लानी है कुछ कीवर्ड्स पर, प्लस उसकी रेपुटेशन मैनेजमेंट करनी है। तो रैंकिंग लाने के लिए सबसे पहला मेरा टास्क ये था कि मैं कीवर्ड रिसर्च करूं। कीवर्ड रिसर्च मैंने करने के लिए सबसे पहले जो काम किया वो कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च किया सबसे पहले, लाइक उनके पास एजुकेशनल, राइट C3 जो है वो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ऋषि राइट घर से बैठे हुए $12 पर घंटे के हिसाब से कमा रहे हैं सिर्फ SEO का काम करके। तो जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत एसेंशियल पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऋषि अस्थाना upwork.com और ऐसी और काफी सारी साइट्स हैं, मेन अपवर्क पे काम करते हैं और $12 घंटा, 15-16, आई थिंक ऋषि $20 घंटे का भी मैक्सिमम है जो आप जा चुके हैं मेरे ख्याल से, 20 या 22 तक है। 20-22 तक, 2022, मतलब $20-22 ये इस टाइप का। और ये कोई फेक नहीं है, ये आपको इवन के दिखा सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी कैसे ये आता है और किस टाइप का ये काम करते हैं सारा SEO के अंदर, रेपुटेशन मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स, ये सारा आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर ये सारा सिखाएंगे। ठीक है, आप दिखाइए क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे उसमें, क्या क्या क्लाइंट ने क्या दिया और आपने क्या किया उसके साथ। इसमें मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ राइट C3। ये राइट C3 वेबसाइट जो है ये एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है USA में, जहां पे ये एजुकेशनल कंसल्टेंट्स जो है ये एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स की वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, एडमिशन वर्कशॉप, और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि जो है हम कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कैसे डालें।
तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करा कि इसमें कीवर्ड्स रिसर्च करी, गूगल में जाके टाइप किया कि जो हमारे जो टारगेट कीवर्ड थे एजुकेशनल सर्विसेज, एडमिशन सर्विसेज, एडमिशन काउंसलर, इससे जो टॉप में हमारी तीन चार वेबसाइट्स आती हैं, जैसे कि अभी मैं इस पे आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो एजुकेशनल सर्विसेज के लिए हमारी टॉप में ये वेबसाइट आ रही है, ये educationalservices.co.nz न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की साइट है। इसको गूगल यूएस पर ट्राई करते हैं। ये फर्स्ट वेबसाइट जो है ये आ रही है, अमेरिकन एजुकेशनल सर्विसेज। तो इस वेबसाइट पे जाके ये हमारी जो है टॉप कॉम्पिटिटर बनी जाएगी, क्योंकि ये भी वही सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, राइट सी थ्री प्रोवाइड करती है। ये है आकाश इंस्टीट्यूट एक आ रही है, ACS ब्रोवर लॉगिन आ रही है, ये सारी वेबसाइट्स हमारी है कॉम्पिटिटर। तो इन कॉम्पिटिटर्स को की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे इनकी वेबसाइट पे जाने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट से हम लोग इनके टाइटल पे जाके कीवर्ड निकाल सकते हैं, जैसे कि इस वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ। तो इसका अगर यहाँ पे आप ये देखो तो जो ब्राउजर में इसका ये आ रहा है टाइटल, अमेरिकन एजुकेशन सर्विसेज, ये कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। और इसमें और ऐसे बहुत सारे पेजेस होंगे जिनके ऊपर ऐसे कीवर्ड्स होंगे। लोन पे ऑफ, जो हमारे फाइनेंशियल एड मिलती है कॉलेज के लिए, इसके लिए लोन पे ऑफ ये कीवर्ड है हमारा। तो इस तरह के कई सारे कीवर्ड्स होंगे जिनको हम अपने एक्सेल शीट के अंदर रखेंगे और फिर उन कीवर्ड्स को आगे ले जाके अपना फिर से गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां से और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हम निकाल सकते हैं। इन कीवर्ड्स, हेलो निखिल, आप महेश्वर हैं कोई जिन्होंने नया ज्वाइन करा है, मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ, आप करिए हाँ करिए। ठीक है ठीक है। तो ये एक हमारा एक ये टारगेट कीवर्ड है हमारे कॉलेज एडमिशन काउंसलर। तो कॉलेज एडमिशन काउंसलर के लिए हमारी जो वेबसाइट ये आ रही है टॉप में, ये है NACAC होम पेज, डू यू नीड ए गूगल, डू यू नीड ए कॉलेज एडमिशन काउंसलर, ये सेकंड वेबसाइट है हमारी। और ये सदर एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग। तो इन वेबसाइट्स को एक बार एनालाइज करके हम यहाँ से जो है इनके मेन कीवर्ड्स निकालते हैं। तो मेन कीवर्ड्स को अपना एक्सेल शीट में रखने के बाद में उन कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, तो वहां से हमारे पास एडिशनल कीवर्ड निकल आते हैं, जिन कीवर्ड्स को हम फिर अपनी वेबसाइट पे उनके उसी हिसाब से कंटेंट लिख पाते हैं। जैसे कि ये मेरी राइट सी3 कीवर्ड, राइट सी3 की वेबसाइट है, इसमें ये राइट करियर, राइट कॉलेज, राइट कॉस्ट, ये इस तरीके से इन्होंने तीन पेजेस बनाए हैं जहाँ पे हम अपने 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 कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। डिस्कवर ए करियर यू लव, राइट कॉलेज, व्हाई काउंसलिंग इज नेसेसरी फॉर सिलेक्टिंग ए राइट कॉलेज। हेलो अतुल, आप सुन रहे हो? सब सुन पा रहे हैं, अतुल भी, भानु भी। हाँ जी, ओके ठीक अब एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से है। चलते तो हैं। अभी आपने काफी अच्छा खासा एक्सप्लेन दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया ऋषि। अब स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग को। अगर हम बेसिक से समझाएं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO आता है, गूगल एड्स आते हैं, डिस्प्ले एड्स आते हैं, जो जो चीज डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ईमेल मार्केटिंग भी है, बाकी सारी चीजें जो है, उससे आप एक बारी स्टार्ट करो, फिर SEO का स्टार्ट करो आप बिगनिंग से कि सर्च इंजन रिजल्ट्स क्या होते हैं। सर्च इंजन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में भी आपका ऑन पेज ऑफ पेज करना पड़ता है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में लाने के। ओके ठीक हाँ तो है। इस तरीके से। हाँ तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन में एक्चुअली होता ही है क्या, जो आप ये सर्च करते हैं कि गूगल सर्च में जो लेफ्ट हैंड पे रिजल्ट्स आते हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं।
इन्हें हम कहते हैं कि ये जो एक्चुअली इसके लिए हमें कुछ गूगल को पे नहीं करना होता है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो सर्च इंजन ऑपरेशन की खासियत ये है कि इसमें हमें कुछ भी पे नहीं करना है, भी हमको इसमें 3 से 4 महीने या 6 महीने या 1 साल तक की किसी वेबसाइट के ऊपर काम करना होता है कुछ कीवर्ड्स के लिए, और फिर वो वेबसाइट अगर हमने ठीक से काम किया है तो वो इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में जब कीवर्ड पे सर्च किया जाएगा तो रैंक करेगी। ये गूगल ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जो हमारे पास जब आप किसी कीवर्ड पे सर्च करते हो तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो कीवर्ड रिजल्ट्स जो रैंक करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस आपका इन्हीं रिजल्ट्स पे जाता है। उसके बाद हमारा आता है ये गूगल एडवर्ड्स, जो पेड मार्केटिंग होती है, जो राइट हैंड साइड पे जो रिजल्ट्स आते हैं गूगल एडवर्ड्स के होते हैं। इसमें हमारा ये सर्च गूगल सर्च पे मतलब जो गूगल एडवर्ड्स होता है इसमें एक तो ये गूगल सर्च पार्टनर्स होते हैं प्लस डिस्प्ले होता है। सर्च रिजल्ट्स जो होते हैं ये हमारे गूगल के पेज पर ही आते हैं राइट हैंड पे, और जो डिस्प्ले रिजल्ट्स आते हैं वो जो आप कई वेबसाइट्स खोलते होंगे तो वहां पे कई एड्स जो होते हैं टेक्स्ट एड होते हैं वीडियो इमेज आपको दिखाई दिखती होंगी वो डिस्प्ले एड्स होते हैं। इसके ये होता है हमारा गूगल एडवर्ड्स, और एसईओ के बारे में भी हमने बात की। इसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम जो है फेसबुक ट्विटर पिंटरेस्ट इन ऐसी साइट्स पे करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी जो है वी कैन डू बोथ, इसमें पेड भी कर सकते हैं और नॉन पेड भी कर सकते हैं। पेड जो नॉन पेड हमारा होता है पार्ट होता है उसमें आप जैसे फेसबुक पे जब जाते हो तो फेसबुक पे आपको कई सारे जो राइट हैंड साइड पैनल आप देखोगे तो वहां पे आपको पेजेस दिखाई देते हैं। एक सेकंड में फेसबुक खोल के दिखाता हूँ आपको। ये आप देखो कि आप ये जैसे पेजेस पेज यू वॉच ये हमारा पेज यहाँ पे आ रहा है, जो कि ये जो होते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। ये पेड होते हैं, और जैसे ये ये बैनर एड्स आ रहे हैं ये भी पेड होते हैं। तो हम फेसबुक के थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और नॉन पेड एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। नॉन पेड एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमको जो है वहां पे पेज बनाना होता है जो कि फ्री होता है। से मेरे पास एक पेज है मेरी वेबसाइट का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये पेजेस का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, पेज फीड टूमर, ये मेरा पेज है। ये पेज मैंने एक्चुअली जोक्स के लिए बनाया था। तो इस पेज पर आप देख सकते हो कि अभी मेरे जो है करीब 'हेलो, आवारी बनो।
ओके, तो अभी तक मैंने जो बताया उसमें कुछ समझ में आया आपको? बानू, हेलो भानु, आवाज आ रही मेरे मेरी आपको? अतुल, अभी तक जो बताया गया है वो आपको समझ में आया? अच्छा, तो ये आपको पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है उसके लिए हमारे जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ट्विटर के बारे में आपने सुना होगा, पिंटरेस्ट है, कई ऐसी साइट्स हैं जो जो मेन साइट्स जो हमारी हैं, इनको हम यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के लिए हमारा हमें करना ये होता है कि उसमें हम फेसबुक में जैसे एक पेज बना सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अपनी, आप जैसे आपके पास कोई बिजनेस है, आपके पास फर्नीचर आपको सेल करना है, आपका एक एरिया डिफाइंड है कि आप अपना गाजियाबाद के अंदर आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आप अपना जो है फेसबुक के ऊपर पेज बना सकते हो कि हमारे पास जो ये हम ये फर्नीचर्स है हमारे पास और हम इस एरिया में बेचते हैं। उस पेज को आप अपने एक जो है फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट करो, प्लस जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के अंदर उसके अंदर शेयर करो, तो वहां से तुम्हारे पास जो है ट्रैफिक आ सकता है, वहां से कस्टमर्स भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये पेज दिखा रहा हूँ, कोई बिजनेस पेज, ये आ रहा है मिलानो फर्नीचर नोएडा। तो इन्होंने यहाँ पे ये पेज इसलिए बनाया है, इनका जो है देखो यहाँ पे लाइक जो आ रहे हैं यहाँ पे 23,395, इतने पीपल इसमें कनेक्टेड हैं। तो एक्चुअली होता जब यहाँ पे इतने लोग कनेक्टेड होते हैं तो होता ये है कि जो है जब भी आप कोई इस पे अपडेट डालते हो तो वो इतने लोग व्यू कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रमोशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का काफी अच्छी तरह से। और प्रमोशन करने के लिए हम इसके लिए और जो है पेड मार्केटिंग भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ही हम ट्विटर में भी कर सकते हैं, पिंटरेस्ट में भी कर सकते हैं जहां पे इमेज शेयरिंग होती है, इंस्टाग्राम होती है एक साइट है जहां वहां पे भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी साइट्स हैं जो सोशल मीडिया के लिए यूज की जाती हैं। तो और सोशल मीडिया जो है आजकल हमारा एसईओ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं तो वो रैंकिंग में भी हेल्प करता है। अब इसके बाद में हमारी आती है हमारा हो गया एसईओ, हो गया सोशल मीडिया, हो गया गूगल एडवर्ड्स, हो गया फेसबुक मार्केटिंग, हो गई ट्विटर मार्केटिंग, हो गई पिंटरेस्ट मार्केटिंग, हो गई और गूगल एडवर्ड्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। तो बेसिक आइडिया आपको मिल चुका होगा कि इन सब चीजों में क्या क्या किया जाता है। अतुल, आप एक बार बता सकते हो कि एसईओ में एसईओ का मतलब क्या होता है? अतुल, अतुल आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हैं। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आप प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। मेरी वॉइस जा रही है क्या? सही आ रही है, हाँ और बात आ रही है। तो बिल्कुल बोलिए। अच्छा, लेकिन आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। हाँ विजिबिलिटी, जिससे विजिबिलिटी जो हम ट्रैफिक देखते हैं, जो सर्च इंजन पेज पे जो रिजल्ट पेज पे जो आता है ना, जो हम कीवर्ड टाइप करते हैं, जो रिजल्ट पेज पे नॉन पेड लिस्टिंग आता है, ऑर्गेनिक सर्च में जो आता है, उस वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो हम करते हैं हाँ कीवर्ड। कीवर्ड प्रमोशन करते हैं, किसी वेबसाइट को जो किसी कीवर्ड के ऊपर प्रमोट करते हैं उसको कहते हैं कीवर्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली दो चीजें होती हैं, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। ऑन साइड और ऑफ साइड। ऑफ साइड जो होती है वो जो आपने बताया फेसबुक ट्विटर और ये सब ऑफ साइड होती है, और ऑन साइड जो हम
जो टैग्स होते हैं मीटा टैग्स और टाइटल टैग्स के थ्रू हम करते हैं कौन पेज पे। नहीं, आप फेसबुक ट्विटर ये तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट होता है, नहीं ऑफसाइट एसईओ ऑफसाइट में भी तो हम इसको बोल सकते हैं कि ऑफसाइट आई है। नहीं, ऑफसाइट वर्क है लेकिन ये सोशल मीडिया का पार्ट है। हाँ नहीं पार्ट तो सोशल मीडिया का, बट हम इसको एक ऑफसाइट एसईओ भी लेके चल सकते हैं। ऑफसाइट एसईओ में हम इनको यूज जरूर करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये है कि बेसिकली ये पार्ट सोशल मीडिया का ही है, लेकिन ये हमारी रैंकिंग्स को भी एनहेंस करता है। तो हमारा जो ऑफसाइट एसईओ जो होता है, इसमें एक्चुअली भानु, ऑफसाइट एंड सोशल मीडिया, ऑफसाइट एसईओ में हमारे वेबसाइट के लिए जो लिंक बनाते हैं हम, और सोशल मीडिया जो होता है वो हमारा प्रमोशन होता है इस पे, फेसबुक ट्विटर और इस ऐसी साइटों पे। ऑफसाइट एसईओ जो होता है उसके लिए हम, उसमें एक्चुअली जो बेसिक हमारा एम होता है वो हमारी जिस वेबसाइट को हम प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए लिंक बिल्डिंग करते हैं, बैक लिंक क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि सिमिलर वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, फोरम्स हैं, उनको जो है रिसर्च करो, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी जिनको यूज कर रहे हैं। उसके बाद में फिर वहां पे डिफरेंट पेजेस से अपनी डिफरेंट अपनी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस के लिए आप लिंक्स लेने के लिए जो कोशिश करते हो, बैकलिंक बनाने के लिए कोशिश करते हो, उसे कहते हैं ऑफसाइट, किसी वेबसाइट के लिए ऑफसाइट वर्क। सोशल मीडिया वर्क जो होता है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, उसके लिए हम फेसबुक और ट्विटर जैसी साइट्स का यूज करते हैं। आजकल के हमारे जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये रैंकिंग में भी हेल्प करता है, इसलिए इसको एक एज ए पार्ट ऑफ ऑफसाइट एसईओ भी यूज किया जाता है। बट दिस इज नॉट अ टोटली ऑफसाइट एसईओ, ये सिर्फ एक पार्ट है। जी सर। सर, समझ में आया आपके भानु? हाँ ऋषि, आप थोड़ा सा ना एग्जाम्पल देके बताइए इन्हें ऑन पेज और ऑफ पेज का। जैसे ऑन पेज में आपने कोई वेबसाइट आप लीजिए जिसपे आपने किया है पहले काम, और उसमें ऑन पेज में आपने क्या-क्या चेंजेस किए थे, और उसी वेबसाइट में आपने ऑफ पेज करने के लिए कोई आपके पास शीट पड़ी हो रिपोर्ट की, उसमें आपने कैसे-कैसे लिंक बनाए थे, किस तरीके से, कुछ एक एक आध लिंक क्रिएट भी करके दिखाइए तो पता चलेगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास से एक बिल्कुल ही सिस्टमैटिक वे से चलेंगे, आज हमारा बिल्कुल ही बेसिक्स ले रहे हैं गाइस। अगर आप थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेके चलेंगे, और एक वेबसाइट लेंगे जिसके लिए हम करेंगे, ताकि आपको खुद इम्प्लीमेंट करोगे उसे तो आपको पूरा अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा अच्छे से। हाँ, तो अभी ये जो है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है एक्चुअली। इसमें नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको जो है डिटेल में कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है, ऑन साइट कैसे किया जाता है, वो सब कुछ बताया जाएगा। तो ये जैसे मैंने एक वेबसाइट की थी WMEuro.com, ये है अमेरिकन वेबसाइट। तो ये क्लाइंट चाहता था कि इसकी वेबसाइट जो है यूरोलॉजिकल सर्विसेज पे रैंक करे। तो मैंने जैसे आप देखो इसके होम पेज के अंदर ये यूरिनरी इनकंसिस्टेंट, ये एक पेज है, कंट्रोल यू से ये जो पेज आता है, इसमें ये इसके लिए मैंने टाइटल्स लिखे, जो कीवर्ड रिसर्च करी उसको यूज करके मैंने ये टाइटल लिखा यहाँ पे। इसका टाइटल की लिमिट होती है 60 कैरेक्टर की, तो उसी के अंदर हमको लिखना होता है टाइटल। फिर उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखे, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जिसके लिए भी एक सर्टेन कैरेक्टर लिमिट होती है। तो जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो हमारे पेज का जो सब्जेक्ट होता है उस पर बेस्ड होता है। तो हमारे जो कीवर्ड होते हैं किसी पेज के लिए, उसको कीवर्ड्स के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, वो प्लस जो पेज का सब्जेक्ट होता है उससे मैचिंग हम जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये हमें रैंकिंग में हेल्प करता है। ये तो बेसिक चीजें हो गई, जो कीवर्ड, जो टाइटल और मेटा टैग्स जो हम लिखते हैं, ये तो बेसिक होता है जो किसी वेबसाइट के लिए हमें करना ही करना होता है। उसके बाद में आता है हमारा ये जो बॉडी टेक्स्ट आता है हमारा, ये हेडिंग आती है यहाँ पे, ये जो होती है हमारी H1 हेडिंग होती है। तो ये भी काफी, इसका भी अच्छा रोल होता है इसमें रैंकिंग में। इसके लिए आपको जो है, इसके लिए आपके अंदर मतलब एक राइटिंग का सेंस होना चाहिए कि हमारा जो है हमारा मेन टारगेट कीवर्ड क्या है, और हमें कंटेंट में अपने कहाँ कहाँ पर इन कीवर्ड्स को हम डाल सकते हैं। जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है टाइटल होता है हमारा, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, H1 टैग्स होते हैं, प्लस जो है सब हेडिंग्स होते हैं। अभी तक की हेलो
आप देख रहे हैं अपनी जो मैंने आपको दिखाया, देखिए ऋषि जी एक चीज पूछ रहा था, जैसे ये जो आप मेरे को साइट दिखा रहे हैं जैसे WMURO, तो क्या जो लोग होते हैं वो अपने कंट्रोल पैनल हमारे को देते हैं? हाँ कंट्रोल पैनल, वो अगर आपको क्लाइंट क्लाइंट को अगर आपके ऊपर ट्रस्ट है तो आपको कंट्रोल पैनल दे देगा। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि मतलब जैसे हम SEO का अगर काम करते हैं तो वो हमारे को कंट्रोल पैनल वो देता है या हम उसको कैसे बताते हैं कि हम ऑप्टिमाइज करेंगे? एक्चुअली इसके दो तरीके होते हैं, एक तो आप अपना एक्सेल शीट में सारा काम कर लो, मतलब हाँ जी आपने एक एक्सेल शीट बनाई आपने ओके जैसे कि, हाँ वहां पे सारे पेजेस लिस्ट कर लिए, जैसे मैंने जैसे ये सारे पेजेस लिस्ट कर लिए हमने एक वेबसाइट के लिए, ठीक है, ठीक है उसके लिए हमने एक एक टाइटल के लिए एक वहां पे इस टैब में टाइटल हमने डाल दिया, यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया, यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दिया, सारे पेजेस के लिए अगेंस्ट सब कुछ लिख लिया और क्लाइंट को सेंड कर दिया, वो क्लाइंट अपडेट कर देगा। अच्छा ठीक है अगर क्लाइंट अपडेट करना नहीं चाहता है तो आप उससे जो है अपना उसके पहले की डिटेल्स भी मांग सकते हो। ओके ओके तो हाँ उसमें ऐसी कोई परेशानी तो नहीं होती उनके पासवर्ड वगैरह लेने में? नहीं नहीं वो क्लाइंट्स दे देते हैं, मैक्सिमम क्लाइंट्स आपको डिटेल्स दे देते हैं। हाँ ओके 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 ठीक है, बस बट मोस्टली क्लाइंट्स तो वही होते हैं मतलब जिन्होंने जिनकी साइट वर्डप्रेस पे नहीं है या किसी उस पे CMS पे नहीं है, मोस्टली वही क्लाइंट्स मेरे ख्याल से SEO करवाते होंगे, बाकी में तो जैसे SEO के वो मिल जाते हैं ना जो टूल्स होते हैं, कैसे जैसे वर्डप्रेस में टूल होता है SEO का, वो मोस्टली लोग जैसे वर्डप्रेस में लगा लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो SEO सीख रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं SEO का काम, वो नॉर्मल साइट्स के लिए होता होगा हाँ जिन जिन पे SEO टूल्स काम नहीं करते होंगे? हाँ उसमें एक्चुअली वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई टूल डाल दिया और SEO हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओके हाँ उसमें ये होता है कि जैसे हमारे वर्डप्रेस के अंदर तुम्हारे प्लगइन्स होते हैं, योस्ट हाँ जी पर एक होता है ऑल इन वन SEO पैक होता है, तो उसमें भी उसको इंस्टॉल करने के बाद भी उसको कॉन्फ़िगरेशन उसका करना पड़ता है। हाँ जी वो तो मेरे को मालूम है, उसी प्लगइन की बात कर रहा हूँ मैं, वर्डप्रेस में तो मोस्टली मिल ही जाता है या दूसरे SEO जो जो भी CMS वाली साइट्स हैं उनके लिए तो मिल जाता है, बट हमारे हाँ जैसे जो काम करते हैं SEO के लिए वो उन लोगों के लिए काम करते हैं क्या जो उनके अपनी साइट बनती है इंडिविजुअल, जो किसी पैनल्स पे नहीं होती, जैसे अपनी कोडिंग्स लिखवाई होती है जिन्होंने? HTML या PHP साइट जैसे कोई की बात तुम कर रहे हो ओके ना, तो उसमें भी हम जो है उसमें ये कर सकते हैं ना उसका, तुम जो है एक सेकंड मैं दिखाता हूँ एक वेबसाइट है। कृष्ण ये भानु का भी क्वेश्चन है तो वो भी आंसर करिएगा बाद में जब आप एक बार ये कर लेते हैं आंसर। हाँ मैं बता, हाँ ये वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस या पी उसमें नहीं है, किसी CMS में नहीं है, ये सिंपल वेबसाइट है बिल्कुल। तो इसमें हम हमारा क्या है कि अब एक मेटा टैग्स जो होते हैं हमारे HTML मेटा टैग्स, वहां पे हम जो है ऐसे एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूँ कैसे। ये जो मेटा टैग्स होते हैं ये आप FTP FTP का कभी सुना है? FTP मालूम है आपकी हाँ, तो FTP से जो फाइल्स जो कंप्यूटर पे अपने सेव कर ही सकते हो सारी फाइल्स, ये फाइल्स सेव करने के बाद में इसके कोडिंग में जाके आप वहां से टाइटल्स और मेटा टैग्स जो है वो अपडेट कर सकते हो इजीली। तो आपको पता है कि यहाँ पे FTP में कैसे कैसे अपडेट किया जाता है। नहीं वो तो बेसिक तो मेरे को मालूम है कि मैं ये पूछ रहा हूँ, मोस्टली लोग वही यूज करवाते होंगे ना जो जिन्हें अपनी साइट जिन्होंने PHP पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे करवाई है, लैंग्वेज में बनवाई है, मोस्टली वही हमारे से करवाते हैं, या जो वर्डप्रेस वाले भी हैं वो भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं जैसे जूमला वाले और ये सब जो हैं जो मैक्सिमम जी? मैक्सिमम जो क्लाइंट्स आजकल, तो जो मैक्सिमम क्लाइंट्स है USA के क्लाइंट्स है वो वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, जूमला सब मिलते हैं।
मार्केट में ज्यादातर जो वेबसाइट्स है वो तो वर्डप्रेस में ही इस समय आ रही है, तो ओके ओके ठीक वर्डप्रेस के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। है ठीक है हाँ, तो बस भानु भानु क्या क्वेश्चन था आपका? भानु ने चैट विंडो पे लिखा है, भानु आप बोल भी सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट करा हुआ है अभी, एक बार आप ट्राई करिए बोलने का। ओके, भानु का क्वेश्चन है कि एसईओ के लिए क्या पर्टिकुलर पेज के लिए कोड्स करना होता है या किसी एक ही फाइल को अपलोड करना होता है उससे पूरी वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, एक बारी आप नहीं, मेरे को। नहीं हर पर्टिकुलर पेज के लिए अलग अलग करना होगा। ऋषि जी जो डायनामिक यूआरएल्स होते हैं फिर उनको हम कैसे कर पाएंगे, मतलब डायनेमिक यूआरएल्स के लिए क्या चीज? जो डायनेमिक जो हमारे उसपे एसक्यूएल से उठ के आ रहे हैं यूआरएल्स सिलेक्ट के हाँ थ्रू, हाँ उनको हम कैसे ट्रीट कर पाएंगे अगर हम अलग अलग पेज बनाएंगे तो। जो आईडी के थ्रू आते हैं आईडी से हम सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट का मतलब यूआरएल्स बन जाते हैं डायनेमिक यूआरएल्स, बट हम हाँ उसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे क्योंकि वो तो पेज नहीं होता ना एक्चुअल में, एक्चुअल में तो रिजल्ट होता वो। इसमें एक्चुअली ये होता है ना कि तुम्हारे उसके लिए वो तो काफी आगे की चीज है, इसमें हाँ जो जी ये होता है, हाँ जो एक्चुअली उसमें होता ये है कि जो डायनेमिक तुम्हारे पेजेस होते हैं उसके लिए तुम एक्चुअली ये जो होता है वो सारे पेजेस जो होते हैं जो सर्च पेजेस आते हैं ना हाँ जी हाँ जो एक्चुअली पेजेस नहीं होते हैं, जी तो उसको वो हम उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिसके लिए वो पेज हमारे सर्च में जो है इंडेक्स ही ना हो। इंडेक्स ही ना हो हाँ इंडेक्स ही ना हो, हम हर पेज के लिए एक स्टैटिक यूआरएल बना सकते हैं, उसका जो सर्च पेजेस होते हैं उनको हम ऐसा उसके अंदर ऐसी टेक्निक्स लगाई जाती हैं कि वो इंडेक्स ही ना हो, तो उसके लिए हमें कोई एसईओ करने की जरूरत नहीं होती उन पेजेस के लिए, क्योंकि जो ई कॉमर्स साइट होती है बहुत जिनके अंदर लाखों पेजेस होते हैं जो सर्च के थ्रू आते हैं पेजेस, तो हाँ हर पेज जी के हाँ लिए अलग अलग हर पेज के लिए अलग अलग तुम नहीं कर सकते वो हाँ मैं उसी सर्च। की बात कर रहा हूँ, वही हाँ डायनेमिक की बात कर रहा हाँ वो बात की बात है, वो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है भाई। अभी जो भानु का क्वेश्चन था ये था कि जो है जब हम किसी वेबसाइट के लिए एसईओ करते हैं तो उसके लिए किसी कोई एक ही फाइल अपलोड कर देते हैं जिससे एसईओ हो जाता है या हर पेज के लिए अलग अलग एसईओ करते हैं, ये क्वेश्चन है भानु तुम्हारा? एसईओ के लिए पर्टिकुलर पेज के लिए कोड्स करने होते हैं या किसी एक ही फाइल को अपलोड करना होता है जो होल वेबसाइट में, हम हर पेज के लिए अलग अलग उसके लिए जो है वो काम करते हैं, हर पेज के लिए अलग कीवर्ड्स होते हैं, अलग टाइटल्स होते हैं, अलग मेटा टैग्स होते हैं, प्लस अगर कोई मल्टी लिंग्वेल वेबसाइट है जो एक ही वेबसाइट है जिसके बाद अलग अलग वेबसाइट है तो उसके लिए लैंग्वेज टैग भी लगा सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें की जाती है जो पेज लेवल पे की जाती है, हर पेज के लिए अलग अलग एसईओ होता है, कोई एक फाइल से नहीं होता है। हाँ हेलो, भानु आसर मिला आपको अपना? नहीं आवाज तो नहीं आ रही है तुम्हारी? हाँ भानु अब बोलो, अब आप तो अनम्यूट अनम्यूट किया गया है। एक भानु का नहीं चल रहा है अभी, माइक चल रहा है, कोई बात नहीं। बाकी आप एक बारी थोड़ा सा जो आपने ऑफ पेज के लिंक्स जैसे बनाए हुए हैं वो थोड़ा सा एक बारी आप शो करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास से इसे बिल्कुल ही सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलेंगे। एक पर्टिकुलर वेबसाइट लेंगे, उसी वेबसाइट के लिए हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसका हम ऑन पेज खुद करके दिखाएंगे एक बारी, थोड़ा टाइटल टैग एक एक पर्टिकुलर पेज का बनाना,
फिर ऑफ पेज भी करेंगे। आप एक बारी ऑफ पेज का भी दिखा दो कि आइडिया मेरे को क्या होता है। ऑफ पेज में एक्चुअली होता ही है कि हम एक वेबसाइट के जो है रेफरेंसेस क्रिएट, मतलब एक हमारे पास जैसे राइट सीधे मेरी वेबसाइट है, तो मैं जो एजुकेशनल सर्विसेज की जो वेबसाइट्स है, दूसरी ब्लॉग्स है, वेबसाइट्स है या फोरम्स है, उनको रिसर्च करके एक अपनी एक्सेल साइट में सारा रखा जाता है। उसके बाद में वहां से लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे ब्लॉग, अगर आप ब्लॉग की बात करते हैं कि हम ब्लॉग के थ्रू लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो एक ये है हमारा, ये एक्चुअली एक हमारा ये इसका एजुकेशनल ब्लॉग है, जिसमें यहाँ पे इस कमेंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये यहाँ पे आप नेम, ईमेल, वेबसाइट, यूआरएल और ये सारा फिल करने के बाद में आप कमेंट्स डालते हो, तो कमेंट आपके अप्रूव होते हैं या डिसअप्रूव हो जाते हैं, वो कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है उसमें। तो अगर वो कमेंट अप्रूव हो जाते हैं आपके, तो जो कि 100 में से 80% कमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, तो ये भी लिंक बनाने की एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। अगर आपके कमेंट्स अप्रूव होते हैं, तो उस वहां से आपकी जो है रैंकिंग में काफी हेल्प मिलती है। मैंने यहाँ पे, ये मेरी एक्सेल शीट है जहाँ पे मैंने राइट सी3 के लिए कई ब्लॉग्स पे कमेंट्स करे हैं। ये बेस्ट कॉलेज फिट, आप जैसे पहला ब्लॉग देखो, कॉलेज प्लानिंग .com, ये सारी काफी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ब्लॉग्स लिखे गए हैं, और यहाँ पे कमेंट्स मैंने इस पे कमेंट के डाले हुए हैं। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, और यहाँ पे ये अप्रूव भी हो हुआ है। कमेंट्स के बारे में ये देखिए, यहाँ पे जो है ये कमेंट ये अप्रूव हो गया है, तो ये जो इस तरह के जो लिंक्स मिलते हैं यहाँ पे, इससे रैंकिंग में हेल्प मिलती है। फोरम्स और भानु, ये तो एक एक मेथड, हाँ ये एक मेथड है जो ब्लॉग कमेंट्स के थ्रू जिससे हम लिंक्स बना सकते हैं। उसके बाद फोरम्स होती है, फोरम्स में आप प्रोफाइल्स बना सकते हैं जहाँ पे दूसरे थ्रेड्स के ऊपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या अपना थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, या सिग्नेचर बना सकते हैं, सिग्नेचर लिंक्स होते हैं, तो वो फोरम के अंदर जाने के बाद में पता चलेगा कैसे किया जाता है। फोरम के बारे में भी आपने सुना ही होगा, पहले काम किया है तो। प्लस आजकल जो है बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ गई जिनसे जो है हम ये लिंक्स बनाते हैं। ब्लॉगर आउटरीच होता है, जो कि थोड़ा टफ होता है करना। एक्सपायर्ड लिंक्स होते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं जहां से लिंक्स बनाते हैं, वो भी थोड़ा टफ होता है करने के लिए। उसके लिए काफी रिसर्च करनी होती है हमें। एक्सपायर्ड डोमेन्स वो होते हैं, जैसे आपने की ये कोई वेबसाइट है, कॉलेज एडमिशन की वेबसाइट है, इस पर हमारा ये लिंक पड़ा हुआ है, ये सेवरल वीक्स अगो आई टॉक्ड अबाउट वेन टू स्टार्ट वर्किंग विथ, ये एक लिंक है, एंकर लिंक। इस पे जब आप क्लिक करते हो, तो ये एक दूसरी वेबसाइट खुलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये यूआरएल जो होता है डेड होता है, तो इस डेड यूआरएल की जगह हम अपना यूआरएल उसके साइट के वेबमास्टर से बात करके वहां पे प्लेस कर सकते हैं। हेलो, निखिल, कंटिन्यू करिए। हाँ तो बस 5 मिनट और, फिर उसके बाद हम आज का सेशन रैप अप करते हैं।
कुछ और आपने दो चार लिंक दिखाने हैं थोड़े अलग अलग, जैसे डायरेक्टरी से अगर कोई है या फिर कोई सोशल बुक मार्किंग साइट से है, थोड़े और अलग अलग टाइप के बुक यूआरएल्स, जैसे आपने ये आप रैंकिंग रिपोर्ट कैसे बनाते हो और ब्लॉग पिंग, गेस्ट ब्लॉग, थोड़ा सा आप इसको आइडिया दीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन से इसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में लेके चलेंगे। रैंकिंग रिपोर्ट में एक्चुअली होता यह है कि जब किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है तो हमारे जो टारगेट कीवर्ड्स होते हैं उस पे हम स्टार्टिंग की रैंकिंग सारा जो है उसको नोट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस वेबसाइट पे जब काम करना शुरू किया तो यहाँ पे जो राइट सीखने वाला कीवर्ड था इसके लिए वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है काम शुरू करने के पहले, प्लस उसके सारे कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग हमारी जो है नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद में 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद काम करने के बाद में फिर से रैंकिंग जो है ट्रैक करते हैं तो उसके अगेंस्ट लिखते हैं कि हम जो रैंकिंग रिपोर्ट होती है जो हमारी जो जब काम स्टार्ट हमने किया था उस समय जो रैंकिंग थी प्लस जो हमने काम करने के बाद में जो रैंकिंग अब आई है वो रैंकिंग, उससे हमारी प्रोग्रेस पता चलती है कि हाँ हमारी वेबसाइट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। कई बार ऐसा होता है काम करने के बाद वेबसाइट नीचे भी चली जाती है, तो नीचे वो इसलिए चली जाती है क्योंकि काम ठीक से नहीं किया जाता है, लिंक्स हमारे अच्छे नहीं होते हैं। ये अब ये 2011 में जो हम काम करते थे एसईओ के ऊपर वो उसमें चाहे जैसे आप लिंक्स बना लो चाहे जो भी कर लो वेबसाइट अब भी रैंकिंग में ऊपर जाती थी। 2012 के बाद से पेनल्टी शुरू हो गई, कई ऐसी पेनल्टीज हैं जैसे पांडा है, पेंगुइन है, बहुत सारी पेनल्टीज हैं, फैंटम अपडेट है अभी रिसेंट जो आया है। अगर ये आप अपने लिंक्स आपके अच्छे नहीं है वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट पड़ा हुआ है तो ये वेबसाइट आपकी पेनल्टी में भी जा सकती है। अच्छी खासी वेबसाइट्स जो हमारी टॉप में रैंक कर रही थी वो सारी कई वेबसाइट ऐसी थी जो पेनल्टी में चली गई। नहीं ऐसा नहीं है कि 10 दिन उस पर काम नहीं किया तो रैंकिंग नीचे चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये जरूर होता है कि हाँ अगर आपने जो है रैंकिंग भी डिपेंड करती है कि आपने कैसा काम करा है। अगर आपके अच्छे लिंक्स हैं, क्वालिटी लिंक्स आपने बनाए हैं और वो अच्छे गूगल पे क्रॉल हो रहे हैं तो रैंकिंग इंप्रूव होगी। और अगर ऐसी वेबसाइट से लिंक बनाए हैं जो कि वेबसाइट क्रॉल भी नहीं होती है या जो है जो रिलेटेड नहीं है हमारी वेबसाइट से तो अगली क्रॉलिंग में ये हो सकता है कि रैंकिंग बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, ये भी हो सकता है। काम करा या ना करा इससे मतलब नहीं होता है, काम कैसा करा है इससे मतलब है क्वालिटी ऑफ वर्क। तो जो लिंक्स बनाए वो हमेशा जो है रिलेटेड वेबसाइट से ही बनाने चाहिए, रिलेटेड फोरम्स हो, रिलेटेड वेबसाइट्स हो, आर्टिकल साइट्स हो या फोरम के वेबसाइट्स हो या बुक मार्किंग साइट्स हो, टॉप बुक मार्किंग साइट्स होती है, नीश वेबसाइट्स होती है, लोकल वेबसाइट्स होती है, लोकल सर्च लोकल बिजनेस होते हैं, मतलब ये कई सारे ऑप्शन है हमारे पास है जो लिंक्स बनाने के लिए अब भी अच्छे ऑप्शन होते हैं। वैसे डायरेक्टरी सबमिशन है, सोशल बुक मार्किंग है, इसमें तो हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कि जिसमें से बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जो काम करती हैं, अदरवाइज अदर वेबसाइट्स हैं वो तो सब रैंकिंग को डाउन ही करती हैं। वो सब मैं आपको बताऊंगा अगले अगले क्लास में कि कैसे क्या करना है। अभी के लिए आई थिंक जो है ये इंट्रोडक्टरी क्लास में जो था ये इसको इसको हम आगे बढ़ाने के लिए आगे आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है निखिल भानु, कीवर्ड कोई अगर डोमेन यूआरएल लिया जाए तो बेनिफिट होता था पहले, लेकिन अब जैसे आपने कीवर्ड कोई आपने लिया जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन नोएडा, ये आपका जो है टारगेट कीवर्ड है और इसी कीवर्ड के बेस डोमेन बुक कर लिया आपने, उसके बाद में फिर जो है उसके जो इंटरनल पेजेस बनाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी, तो इसमें जो है अगर कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है यूआरएल के अंदर तो भी वेबसाइट बैन हो सकती है। इसलिए अगर कीवर्ड के अंदर कोई मतलब एक जेनरिक आप टर्म ले लो तो वो ज्यादा अच्छा होता है।
कीवर्ड स्टफिंग अच्छी नहीं होती, कीवर्ड यूआरएल की होगी। तो साइट अपलोड करने के बाद कितने दिन बाद यूआरएल दिखने शुरू होते हैं? क्या चीज? साइट अपलोड करते हैं उसके कितने दिन बाद यूआरएल शो करने शुरू होते हैं? इंडेक्स पेज तो पहले दिन ही आ जाता है, बाकी ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं कि पहले दिन में इंडेक्स पेज आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हफ्तों लग जाते हैं लेकिन इंडेक्स पेज भी उसमें नहीं आता, रैंकिंग में मतलब गूगल सर्च में नहीं आता है। उसके लिए जो होता है वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर में सबमिट करना होता है, साइट मैप सबमिट करना होता है, तब वो जाके इंडेक्स होता है इजिली। तो 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता लग सकता है उसको जो है वेबसाइट को उसके अंदर आने में, गूगल में आने में। मोस्टली मैंने देखा कि इंडेक्स पेज तो आ जाता है, बाकी यूआरएल जो है वो अंदर के पेजेस है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा देता है। अंदाजा कितना टाइम लगता है वैसे नॉर्मल आने में? मैक्सिमम जो क्रॉल हो जाती है वेबसाइट वो 1 हफ्ते में हो जाती है। अच्छा, 1 हफ्ते में हो गया। अगर आपने साइट मैप सबमिट किया है, गूगल वेब मास्टर में साइट को वेरीफाई किया है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगता है, अदरवाइज ज्यादा टाइम भी लग सकता है। मतलब ऐसे कोई डिफाइन टाइम नहीं होता कि इतने में होगा ही होगा। अगर तुम वेबसाइट को ऐसे ही छोड़ दो, कुछ भी ना करो, वेरिफिकेशन ना करो या साइट मैप भी ना डालो, तो वो 8-10 दिन के अंदर लग जाएंगे उसके अंदर। मैंने एक्चुअली मैक्सिमम टाइम है। मैंने डाली थी एक साइट अभी 4-5 दिन पहले डाली थी, तो उसका इंडेक्स पेज तो आ गया था, डिस्प्ले हो गया था, बाकी यूआरएल्स नहीं हो पा रहे थे उसके। वो एक्चुअली मैंने फेच भी करके देखा 1-2 यूआरएल्स, बट नहीं आ रहे वेब मास्टर्स में। तो मतलब ये फेचिंग करने के बाद भी नहीं आ रहे यूआरएल्स? हाँ, फेचिंग करने के बाद भी नहीं आ रहे। तो क्या दिखा रहा था उसमें? पेज तो दिखा देता बट गूगल उसको यूआरएल को ढूंढ नहीं पा रहा। तो ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ मतलब ब्लॉक हो यूआरएल? रोबोट्स मतलब ब्राउजर में तो खुल रहे हैं। नहीं, ब्राउजर में तो खुलेगा ही, ब्राउजर में तो खुलेगा। अगर रोबोट्स में रोबोट्स फाइल जो होती है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यूआरएल नहीं वहां पे जाते हैं। डिफॉल्ट होती है वो तो। कैसी वेबसाइट थी, वर्डप्रेस थी, एचटीएमएल थी, क्या थी? पीएचपी में। तो रोबोट्स फाइल आप उसकी चेक करो कि इसमें क्या है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। रोबोट्स मैंने फाइल अपलोड ही नहीं करी हुई। अच्छा, वेबसाइट का यूआरएल क्या है? पेज वॉर, PAGEVAR। इसके टाइप कर दे इसमें। ये SEO के लिए ही बनाई हुई है। अच्छा, अभी आया नहीं मैसेज मेरे पास। मैंने टाइप कर दिया। तो देखो चैट निखिल जी को पता है पेज वॉर? PAGE। ऋषि आप चैट विंडो में देखो, चैट विंडो के अंदर आ रहे। मैं आपको प्रेजेंटर राइट्स दे रही है। अच्छा, ये कहाँ चला ये? हाँ नहीं, ये प्रेजेंटर राइट मैंने अभी अतुल जी को दे दी। अतुल आप एक्सेप्ट करो, और भानु का भी कुछ एक है, वो भी आप चैट विंडो पे देखना। मैं कैसे करूँ इसको? अब आप वेबसाइट ओपन करके दिखा दो, आपकी स्क्रीन दिख रही है सबको, और जो भी क्वेश्चन है। अब जैसे ये जो आ रहा है pagewar.com, ये इंडेक्स पेज तो गूगल पे सर्च करो तो आ जाता है। जैसे मैं अब ये गूगल पे सर्च करने जा रहा हूँ इसको। डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही वेबसाइट है ये। ये चैट विंडो में भानु के भी कुछ कमेंट्स हैं, ऋषि आप पढ़ते रहना, भानु ने कुछ 1-2 चीजें। हाँ जी, आप चैट विंडो को ट्रैक में रखना। हाँ, वो कीवर्ड के लिए पूछा था ना, कीवर्ड डोमेन के अंदर। और हाँ नहीं, आगे और कुछ भी लिखा है कि
मेरे प्रोजेक्ट्स, बानू ने लिखा, सर जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मैं फ्रीलांस करवाता हूँ, तो एसईओ एक्सपर्ट बोलता है कि 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम लगेगा 3 मंथ्स, तो ऐसा बोलता है। और भानु ने एक चीज और अच्छा बोली है कि मेरे मेरे अकॉर्डिंग शायद कीवर्ड कंपटीशन पे डिपेंड करता होगा ना ये। हाँ, केवल कॉम्पिटिशन पे ही डिपेंड करता है। अब ये चार्ट विंडो को ओपन करके देखना है, भानु ने सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं। हाँ देखा मैंने, देखा मैंने। ये देखो, मैं जैसे पेज वॉर लिखा तो ये इंडेक्स पेज तो आ गया pagewar.com, हाँ बट इसके अंदर के जैसे यूआरएल्स है ना, जो डायनेमिक यूआरएल जिसकी मैं बात कर रहा था, वो नहीं आते जो उसके अभी नेक्स्ट पेजेस हैं। एक्चुअली तुमने, हाँ इसमें तुमने एक्चुअली ये तुमने जो सर्च किया है ना, ये पेजवार के नाम से सर्च किया है। हाँ नहीं, ये तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने वेबसाइट अपलोड करी है 2-3 दिन पहले, हफ्ता ही हो गया, हफ्ता हो गया, हफ्ते पहले मैंने साइट अपलोड करी थी। इसका इंडेक्स पेज तो आता है, बट ये जो अब जैसे मैंने ये अफोर्डेबल एसईओ पैकेजेस जो ऊपर लिखा हुआ है ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैंने एक पेज डाला था एडवर्टाइजिंग का, ये पेज ना इसमें गूगल में शो नहीं होते, इसकी मैं बात कर रहा था, नहीं तो इसलिए मैंने इसको। साइट कोलन से आपने साइट देखा है गूगल पे सर्च करके? हाँ मैंने अब जैसे वो यूआरएल कॉपी कर लिया था, मैं यहाँ पे करता हूँ ना तो ये नहीं शो करता। इसके लिए साइट में बनाया है, साइट में सारा मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, नहीं आता। कैच में करा है, कैच में भी नहीं आ रहा, और ब्लॉग में देखा, ब्लॉग भी नहीं हो रहे। अच्छा क्या ये डायनेमिक होने के कारण तो नहीं ले रहा कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि जो है इसके मतलब साइट में सबमिट किया तुमने इसमें गूगल वेबमास्टर के अंदर, और हाँ हाँ वेबमास्टर साइट में सबमिट कर दिया मैंने, फेचिंग में प्रॉब्लम आ रही है? तो दिखाता है सबमिटेड और सक्सेसफुल लिखा हुआ आता है उसको। क्या रेस्ट्रिक्टेड आता है? आवाज नहीं, सबमिटेड नहीं आ रही है, टाइप कर दो इसमें। अतुल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा वो ग्रीन कलर का बटन होके ओके आ जाता है। एक सेकेंड, जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स, हेलो हेलो, हाँ तो आप एक बार आप बता सकते हो क्या क्वेश्चन था आपका? मेरे क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने माई फेच के अंदर मैंने जाके उसके ये यूआरएल मैंने टाइप करा, सबमिट कर दिया, वो ओके भी हो गया, अप्रूव भी हो गया, हाँ सबमिशन, बट उसके भी आज तीसरा चौथा दिन हो गया, ये यूआरएल डिस्प्ले नहीं हो रहा गूगल सर्च में जैसे कि मैंने करके दिखाया हुआ है। अच्छा, वहां पे फेच करने के बाद में कुछ प्रॉब्लम दिखाता है? सक्सेसफुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा था, सक्सेसफुल लिखा हुआ आता है। अगर फेच हो रहा है तो फिर ये इंडेक्स हो जाएगा। अच्छा वही मैं पूछ रहा, कितना टाइम लगता है इंडेक्स होने में? ये मतलब फेच करने के बाद ही बहुत टाइम ले गया। नहीं, अब उसमें ये मैक्सिमम 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि तुम्हारा ये जो आरएल ये सर्च फ्रेंडली नहीं है, इसलिए इंडेक्स नहीं हुआ है अभी रखी है। अच्छा, अगर स्टैटिक इसको बना दोगे तो ये इसके वो जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो कंटेंट वेबसाइट के ऊपर पड़ा है वो ओरिजिनल लिखा हुआ है या डुप्लीकेट है कहीं से?
नहीं वो तो ओरिजिनल है, जो कंटेंट है वो तो वैसे ओरिजिनल है, बाकी जो है सारा डायनेमिक बना दिया था मैंने। नहीं नहीं तो इसको अगर स्टेटिक कर दोगे तो ये इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब हो ही जाएगा इंडेक्स। अच्छा इंडेक्स हो गया, इसको स्टैटिक में कन्वर्ट कर दूं क्या सारे को? हाँ हाँ स्टेटिक कन्वर्ट, क्योंकि छोटी वेबसाइट है तो बड़ी वेबसाइट तो है नहीं। नहीं छोटी वेबसाइट तो बड़ी भी है, हाँ कितने कितने पेजेस होंगे वेबसाइट के अंदर? होंगे 30-40 पेज होंगे। हाँ तो सारी स्टैटिक बनाओ जरा, अच्छा अच्छा, स्टैटिक भी ठीक रहेगा उसके लिए। कोई ज्यादा इसमें कीवर्ड नहीं यूज करे, बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं यूज करके देख रहा था कि डायनेमिक कैसे यूआरएल्स होते हैं, इसको पर मैं थोड़ा सा छानबीन कर रहा था, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। नहीं इंडेक्स तो ये हो जाएगा 100%। अच्छा, हाँ ये 7 से 10 दिन तक लग सकते हैं मैक्सिमम किसी साइट को इंडेक्स होने में, अगर तुमने सबमिट कर दिया उसके अंदर, वेबमास्टर के अंदर। हाँ सबमिट तो मैंने लास्ट संडे ही कर दिया था। तो ये इंडेक्स तो हो ही जाएगा, लेकिन ये है कि अगर हाँ स्टैटिक्स पेजेस होते तो ये यूआरएल फ्रेंडली नहीं है एक्चुअली। इसके अंदर जो है तुम्हारा ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है, बिल्कुल फ्रेंडली यूआरएल नहीं है, इसलिए इंडेक्स नहीं हुआ अभी। एक्चुअली ये देखो, जैसे ऊपर ये गूगल का google.com GFE_RD इक्वल टू, सेम हाँ सेम यही प्रोसेस है, पेज इक्वल टू question mark = page। जो हमारा हाँ पेज है ये जैसे गूगल ने दे रखा है इक्वल टू, उसके हाँ आगे रिजल्ट उसका अच्छा जो पेज था उसने यूआरएल दे रखा, हमने एडवर्टाइजिंग दे रखा है जो हमारा अच्छा एसक्यूएल से आ रहा है, इसका कोई वो ज्यादा वो नहीं है, बस वही है जैसे हम आईडी के थ्रू काम करते हैं, हमने यहाँ स्लग के थ्रू काम कर दिया हाँ तो नॉर्मल ये जो प्रोसेस। हाँ गूगल का जो ये यूआरएल है ये तो हमारे सर्च में आता है बस, ये मतलब कोई ये परमानेंट वाले नहीं होता है ना। हाँ नहीं प्रोवाइड नहीं होता, ये है तो ये भी डायनेमिक ही आ रहा है ना, इसी को देख के हाँ मैंने ये यूआरएल क्रिएट करवा अच्छा, था गूगल के, ये जो ऊपर सर्च बार के अंदर जो आ रहा है ना यूआरएल लिखा हुआ आ रहा है, इसी को देख के हाँ कि कैसे बना हुआ और कैसे काम कर रहा है, तो इसके ऊपर ही मैंने वर्कआउट करने के बाद पीएचपी पे साइट बना के इसके ऊपर ये काम करा। अच्छा वैसे बेस्ट टेक्निक ये होती है अगर हमारी बहुत बड़ी वेबसाइट भी है, जैसे ई कॉमर्स जो साइट्स होती है हमारी ना, तो उसमें उसमें हमारे एक ही प्रोडक्ट के लिए कई कई पेजेस जनरेट हो जाते हैं है हाँ जी, हाँ जी, ना, तो उसमें भी हमारा सबसे जो बेस्ट टेक्निक ये होती है कि एक उस प्रोडक्ट के लिए आप स्टैटिक पेज बना लीजिए और उस ओके, पेज को, हाँ उस पेज को साइट मैप के थ्रू इंडेक्स कराइए, जो बाकी जो पेजेस उसमें जनरेट होते हैं, जो जो डायनेमिक पेजेस होते हैं उसके लिए हमें किसी कोडिंग के थ्रू या किसी जो है रेल कैनोनिकल के थ्रू हम कुछ भी जो करके जो है उसको इंडेक्स के अंदर जाने ही नहीं देते उस पेज को। ओके, तो इसके मतलब लिंक बिल्डिंग कर देता है अंदर पेजेस के अंदर। नहीं लिंक बिल्डिंग नहीं करते हैं, कैनोनिकल टैग्स का यूज करके या किसी जो है कोडिंग का यूज करके हम उन पेजेस कॉनिकल की। तो हम उसके थ्रू हम तो करेंगे ना, वरना तो साइट डुप्लीकेसी उसके अंदर आ जाएगी, कॉनिकल पे खैर यूज हो गई होगा। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि हम एक जैसे मिरर उसका पेज बना दिया, उसको स्टैटिक बना दिया, और जो डायनेमिक चल रहा है उसके हाँ हम बिल्डिंग कर दिए उसके लिए अलग क्या से, करें। उसकी पेजेस के लिंक बना दिए, जैसे ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है और ये मल्टीपल एडवर्टाइजिंग, और ये इसका हमने लिंक कर दी स्टैटिक पेज के साथ, कुछ इस तरीके का कहना चाह रहे आप? नहीं इस तरह से नहीं, ओके, हाँ हाँ इसके बारे में देखो बात 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 करेंगे ठीक है हाँ 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 इसमें। कोई नहीं, हाँ अभी मैं भानु का जो ये क्वेश्चन था ये था कि हेलो, हाँ भानु बताओ। भानु का क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी एसईओ से बात करते हैं तो वो कहता है कि 3 महीने लगेंगे, कम से कम 3 महीने लगेंगे वेबसाइट को उसमें आने में, किसी कीवर्ड पर रैंक करने में, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि कीवर्ड कितना कॉम्पिटिटिव है। जैसे अभी मैंने अभी एक यूके के क्लाइंट के लिए मैंने काम किया, काम करा था जो कि जिसकी वेबसाइट यूके क्लाइंट के लिए मैंने वेबसाइट काम किया था, तो जिसकी वेबसाइट जो है टॉप 100 में या टॉप 150 में भी नहीं आ रही थी, और वो जो है अब ये पेज 2 या पेज 3 बना रही है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कीवर्ड कितने कॉम्पिटिटिव है और आपने कैसा काम करा है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 3 महीने तक की कुछ होना ही नहीं है, वो तो फिर बस कहने की बातें होती है। कौन मैं वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूं। होता है?
ये वेबसाइट जो थी वो 3 हफ्ते पहले कहीं भी रैंक नहीं कर रही थी, 100 से 150 तक में कहीं कहाँ रैंक नहीं कर रही जाएगा, थी। अब ये वेबसाइट सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे आ रही है इसके टारगेट कीवर्ड्स के लिए, और इस पे मैंने जो है इसका ऑन साइट एसईओ किया है, प्लस थोड़ी सी लिंक बिल्डिंग करी है बस। इसके बारे में क्या क्या करा है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हेलो निखिल, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्लास में हम आज डिस्कस करते हैं इसे, तो आज का सेशन हाँ को रैप अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपना वही 6 से 8 का टाइम रखते हैं, ठीक ठीक है? ठीक है। है भानु, आपको टाइम ठीक है ना? क्या अच्छा, भानु का एक क्वेश्चन भी है, भानु लिख रहा है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन भानु ने बताऊँ? एक क्वेश्चन चैट, तो ऋषि आप चैट विंडो देखते रहा करो। इसने भानु ने अपनी एक वेबसाइट शेयर करी है, मेरी वेबसाइट है जैसे कोई graphicsmedia.com करके है, अगर आप चैट विंडो देखो तो। अच्छा और भानु ने पूछा है, नाउ इस वेबसाइट को डूबी में दिखाना है या डबलिन, मतलब कोई जगह का नाम है, या ऑस्ट्रेलिया में दिखाना है, तो यूआरएल चेंज होगा क्या? एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ भानु आप बोल सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट करा हुआ है, आप एक बार ट्राई करो, आपका माइक अगर चल रहा है तो। वैसे लेकिन भी इसका हो सकता है, क्योंकि एस टी एक्सिस के थ्रू अलग अलग हम कर सकते हैं, कोई तो यूआरएल से अलग देने की जरूरत नहीं पड़ती। हेलो हाँ अच्छा, क्या मैं क्वेश्चन, तो मानो वही। हाँ क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? भानु टाइप कर रहे हैं। अच्छा ठीक भानु, ऋषि आप एक बार चैट विंडो का ट्रैक रखो, चैट विंडो देखो, भानु लिख रहा है कुछ। हाँ ये एक वेबसाइट उन्होंने भेजी है। हाँ ऋषि आपको चैट विंडो पे दिखा भानु का क्वेश्चन? वेबसाइट भेजी है भानु ने हाँ अभी। जी हाँ जी, आप ओपन करके दिखा दीजिए। हाँ और क्वेश्चन है उनका, वेबसाइट का यूआरएल चेंज होता है क्या पर्टिकुलर कंट्री के लिए? बिल्कुल पॉसिबल है कंट्री का यूआरएल चेंज करना। बिल्कुल अच्छा वो, क्योंकि आप रीडायरेक्ट कर दो .com.au, बट कोई उसका कोई फायदा नहीं है उसको रीडायरेक्ट करने का, या कुछ भी यूआरएल चेंज करने का कंट्री के हिसाब से। वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो करती है। नहीं, तो इनका ये क्वेश्चन ये है ना कि हमारी कोई .com वेबसाइट थी, अगर हमको उसको ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करना है तो फिर उसमें यूआरएल चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है ना? हाँ भानु राइट बोलते हैं, कोई नहीं, तो उसकी उसकी कोई जरूरत नहीं है, यूआरएल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, अलग अलग दोनों हाँ यूआरएल को फिर से एसईओ करोगे, दोनों को ऑप्टिमाइज करोगे जो बाद में। हाँ उसके लिए जो लैंग्वेज हमारी जो मेन चीज होती है, आप उसके वेबसाइट के अंदर लैंग्वेज टैग्स लगा सकते हो, उसके लिए कई सारे तरीके होते हैं। लिंक बिल्डिंग आप ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट्स के साथ करोगे तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में इजीली वो रैंक करेगी वेबसाइट, जिस भी लोकेशन के लिए रैंक करवाना है, उसमें यूआरएल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास पे हम मिलते हैं, 6 बजे हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, और जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेंगे कि सबसे पहले अपवर्क पे कैसे हम प्रोफाइल बनाते हैं, कि क्या उसकी अपने प्रोफाइल का राइट टेक्निक क्या है बनाने का, और फिर उसके बाद हमें अगर एसईओ करना है, एसईओ के प्रोजेक्ट करने हैं, तो एसईओ स्टेप बाय स्टेप हम एक वेबसाइट लेंगे, उस वेबसाइट का हम ऑन पेज पहले सीखेंगे थियोरेटिकली, कि ऑन पेज के अंदर मान लो 8 से 10 चीजें होती हैं, तो वो 8 से 10 चीजें क्या हैं, फिर ऑफ पेज के अंदर क्या 8 से 10 चीजें आती हैं वो क्या हैं थियोरेटिकली, और वो सब एक एक करके हम एक वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, तो वो प्रैक्टिकली हम करेंगे। नेक्स्ट सेशन हम 6 से 8 बजे का रखेंगे संडे को, ठीक है बंधु, ठीक है निखिल, ठीक है? ठीक है भानु, फाइबर कंप्यूटर आप बताइए, आपको
आपका कोई क्वेश्चन है तो चैट सुन नहीं रहे हैं वो कोई ओके भानु का कोई क्वेश्चन नहीं है। अतुल जी आपका कोई क्वेश्चन? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे मिलते हैं 6 बजे ठीक है ठीक है। ओके ओके।